Hello everyone, we're at the groundbreaking ceremony of Mayfair Heights, which is a luxurious apartment building that is being constructed in Bourbon Murray. This is the site where the construction will take place, and right now I've been joined by the Fair Group of Companies Chairman, Mr. Chaudhary Rauf. Thank you so much, sir, for being with us. अच्छा सर, आप हमें बता सकते हैं कि इस जगह की खासियत क्या है? What sets this place apart from other projects that are taking place in the same area? No doubt. देखें, ये जो लोकेशन है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। स्पेशली मरी पूरी दुनिया में अपनी पहचान आप रखता है, लेकिन मरी में भी कुछ ऐसी जगह हैं कि जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो व्यू है, ये ऑलवेज है। इसमें आपको 24 आवर वेदर के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। इसका 24 आवर जो यानी कि व्यू है, वेदर लोकेशंस हैं या ब्यूटी है, वो अनबीटेबल। तो मेरा अपना ये कहना है कि हमने जब अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए कोशिश की, जिस तरीके से आपने देखा है कि मेफेयर का नाम पूरी दुनिया में अपनी पहचान आप रखता है, तो हमने पाकिस्तान में जब मेफेयर को रजिस्टर्ड किया तो हमने सोचा कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी ऐसी लोकेशन पर और उसकी ब्यूटी जो है वो अनमैचेबल होनी चाहिए। अगर आप उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट से नहीं, दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट से करें, तो वो अपनी हसीयत और अपनी मुनफरियत जो है वो रखते हों। तो हमने मेफेयर हाइट के लिए इस लोकेशन को चूज़ किया और आज आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं कि जो इसके व्यू हैं, जो इसकी ब्यूटी है, या जो इसको हमने टेरेस वाइज, इसको ब्लॉक वाइज हमने डिज़ाइन किया है, ये अपनी हसीयत आप हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा। जी इंडीड, ये जगह इतनी खूबसूरत है, मतलब मेरा खुद दिल कर रहा है कि मैं इधर अपार्टमेंट बुक करा लूं, जो मैं कराऊंगी जरूर। अच्छा, मैंने ये भी आपसे पूछना था कि कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? देखिए, हमने इसको 2.5 ईयर का हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान है और इंशाल्लाह हमारा मार्च से जो हम इसका प्रॉपर काम शुरू करने जा रहे हैं। अभी आप देखें कि जैसे ही आज आप लोगों ने हमने इसकी अपटेक किया, इस पर अल्लाह के अपने वादा और गवाह बना के हमने इसका काम शुरू किया है, तो इससे पहले इसकी जितनी रिटेनिंग वॉल है उसका काम हो चुका है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन के लिए रोड ब्रिक्स होनी थी वो बन चुकी है, और जो चारों इसके टावर हैं उसके लिए अलग से जो लैंड स्पेसिंग थी वो हो चुकी है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन टाइम जो हमारा है उससे विद इन टाइम, यानी कि हम इसको डिलीवर भी करेंगे और बर वक्त ये कम्प्लीट भी होगा। थैंक यू सो मच चौधरी। थैंक यू।